भारत द्वारा 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 ओवरों में महज 180 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट गिरे और भारत को 6 रनों से शानदार जीत मिली। मोहम्मद शमी ने भारत के लिए आखिरी ओवर की गेंदबाजी की। शमी ने 4 में से 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को हार का स्वाद चखा दिया। 1 विकेट आखिरी ओवर में रनआउट हुआ था। पैट कमिंस कोहली के शानदार थ्रो से रनआउट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन एरन फिंच ने बनाए। फिंच 54 गेंद पर 76 रन बनाकर आउट। भारत की ओर से शमी ने 1 ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट लिए तो वहीं भूवी के खाते में 2 विकेट आए। अर्शदीप ने 1 विकेट लिया। हर्षल भी 1 विकेट लेने में सफल रहे। चहल को भी 1 विकेट मिला। इससे पहले भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट पर 186 रन बनाए। भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव ने 33 गेंद पर 50 रनों की पारी खेली तो वहीं दूसरी ओर केएल राहुल ने 32 गेंद पर 57 रनों की पारी खेली, जिसके दम पर भारत ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 186 रन बनाए। इससे पहले भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। बता दें कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ मेलबर्न में खेलने वाली है। लेकिन ताज्जुब बात यह है कि यहाँ पर मोहम्मद शमी को आखिरकार गेंदबाजी क्यों नहीं कराई गई। मोहम्मद शमी को बुमराह की जगह टीम में शामिल किया गया था। ऐसे में शमी को पूरे तरीके से मैच प्रैक्टिस देनी चाहिए, लेकिन सिर्फ आखिरी ओवर कराना ये तो दर्शाता है कि शमी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन अगर शमी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते हैं तो फिर भारत के पास कोई एक्सप्रेस बॉलर नहीं है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से गेंदबाजी कर सके। ऐसे में ये देखना होगा कि टीम मैनेजमेंट अब क्या फैसला लेती है। लेकिन शमी ने अपने आखिरी ओवर के कमाल से कंगारुओं को उन्हीं की सरजमी पर हराने का एक बड़ा कारनामा कर दिया है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।